हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मैथ। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि क्या है, वाटर इमेज। ओके, वाटर इमेज है। वाटर इमेज में हम क्या करेंगे, लेटर्स कवर करेंगे। लेटर्स को हम देखेंगे कि वाटर इमेज में उसे कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने जे और के का बताया है। वैसे ही हम नंबर्स का देखेंगे, यहाँ जीरो और वन, जीरो तो सेम लिख के आता है, सी नंबर्स हो गया। फिगर्स की वाटर इमेज देखेंगे जो वाटर लेवल से सबसे पहले रहेगा, जैसे ब्लैक पोर्शन पहले, तो यहाँ पे भी पहले ब्लैक पोर्शन आएगा, फिर व्हाइट पोर्शन आया, उसके बाद ये लाइन लाइन आया, फिर क्रॉसेस, और इसमें भी पहले ये है और इस कॉर्नर से है तो यहाँ पे आएगा और इसी कॉर्नर से ये डायगोनल आएगा। गाइज, इसी के बेसिस पे ये फिगर्स कंप्लीट करेंगे और फिर ये क्लॉक भी कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और कंटिन्यू रखिए। मैं आपको इसका वर्ड इमेज के सारे कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर करवाऊंगी गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वाटर इमेज का लेटर वाला सेक्शन। ओके, लेटर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ दो वो दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिसमें वाटर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर्स हैं एंड वाटर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स हैं। गाइज, यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं, फिर वाटर इमेज लेटर्स, वाटर इमेज लेटर्स, वाटर इमेज करके हमने पूरे अल्फाबेट्स कवर किए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखने के लिए ये है कि हमें ये पता चलता है कि कौन सा लेटर जो है कैसे लिखाएगा अगर हम उसे वाटर में देखें, वाटर इमेज में देखें तो, है ना। तो अब अगर हम इसे देख रहे हैं तो कैसे लिखाएगा ये वाटर इमेज, ए ए अगर ऐसा है तो इसे, अगर मैं यहाँ वाटर है, वाटर इमेज के लिए है तो ये अगर लिखाएगा तो वाटर के नजदीक कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये ऐसा बनेगा। गाइज, वाटर इमेज में मिरर के जैसे ही वर्क करता है, बस मिरर हम साइडवाइज लेते हैं और वाटर हम कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टली लेंगे, मिरर वर्टिकली लेते हैं, है ना। अगर आपको जब तक दिया नहीं है कि मिरर कहाँ पे प्लेस है, अगर आपको मिरर दिया रहेगा ऐसा प्लेस है तो आपको मिरर ऐसे ही लेना पड़ेगा। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे ये चीजें हो जाएगी, ये वाले में हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, आप सारे लेटर्स को देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पे नोटिस करने की चीज ये है कि देखिए, ए तो अपोजिट लिखा गया वाटर इमेज में, बी भी लिखा गया, लेकिन यहाँ पे रिमार्क वन लिखा हुआ है, द लेटर हूज वाटर इमेज रिमेन्स अनचेंज्ड आर। जो ऐसे लेटर्स जिनमें वाटर इमेज क्या होता है, अनचेंज होता है, जैसे एक्स, एक्स को हम लिखेंगे तो एक्स ही लिखा रहा है, राइट, तो एक्स अनचेंज्ड है ना। जैसे हमने पहले देखा था, ओ भी अनचेंज्ड है ना, ई भी अनचेंज्ड है, डी भी अनचेंज्ड है, सी भी अनचेंज्ड है ना, ये तो दिख रहा है हमें, आई भी अनचेंज्ड है, H also, और क्या unchanged है यहाँ पे, और क्या हो सकता है guys? चलिए, ये सारे जो letters हैं हमारे कैसे हैं, unchanged रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए B हम देख रहे हैं कि unchanged रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे तो B नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है बॉस? अब यहाँ पे B का concept देखिए कैसे होता है, कभी भी जब हम B लिखते हैं तो ऊपर वाला ऐसा रहता है, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है, मैं बड़ा में बना रही हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। तो इसका जब वॉटर इमेज बनेगा तो पहले बड़ा वाला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, छोटा वाला आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, इसलिए B क्या होता है, अनचेंज्ड नहीं है। ओके, B क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नीचे बड़ा था तो ऊपर बड़ा हो गया, है ना, तो फिर इसीलिए B को हम अनचेंज वाले में नहीं मेंशन कर रहे। ओके, तो गाइज, B वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, इसमें नहीं आएगा, किस पे नहीं आएगा, आइडेंटिकल वाले में नहीं आएगा। ओके, तो हम ये कौन कौन सा आ रहा है, ए C D E H I K O X, ओके गाइस, तो इतने आएंगे। उसी के बेसिस पे ये कुछ आइडेंटिकल वाटर इमेज के वर्ड्स बना लिया, इन्हीं लेटर्स को ले लेके, हमने बोला K सिमिलर होता है, किक हो गया, किड हो गया, ये सारे कोड चेक सारे जो हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए आइडेंटिकल वाटर इमेजेस हो गए, जो कि सेम आएगा। गाइस, इन द सेम मैनर अगर हम स्मॉल लेटर्स का देखें, वाटर इमेज ऑफ अ स्मॉल लेटर्स, तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या स्मॉल लेटर्स में जो सेम हो, जो अनचेंज हुआ हो, वही है, हमें X मिल रहा है, O मिल रहा है, E तो चेंज हो रहा है गाइस, है ना, D भी चेंज हो रहा है, C मिल रहा है हमें, ओके, A B C D, I मिलेगा हमें, करेक्ट है गाइस, जो जो मिल रहा है मैं उसे सर्कल करती जा रही हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया हमें, सी मिल गया, ई चेंज हो रहा है गाइस, डी भी चेंज हो रहा है, आई मिल गया, फिर क्या मिल गया हमें, एल मिल गया, एम एन चेंज हो रहा है, पी क्यू भी चेंज हो जा रहा है, आर होगा, एस भी होगा, टी यू वी चेंज, डब्ल्यू वाई जेड, सब चेंज हो रहा है गाइस, और फिर हमें क्या मिला, ओ और एक्स मिला। तो ये सिर्फ पांच जो स्मॉल लेटर्स में है,
जो कि अनचेंज रहेंगे. ओके, बाकी सारे चेंज होते हैं गाइस. क्लियर है? तो ये लेटर्स हुआ, इसी के बेसिस पे हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने लेटर कोडिंग के ही, स्मॉल भी लिए और कैपिटल लेटर्स भी लिए. तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क है ना, DISC. तो हमें क्या पता है, डी तो एज इट इज ही रहता है तो DSE रहेगा, आई भी एज इट इज ही रहता है तो IBSE रहेगा, सी एज इट इज रहता है तो CBSE रहेगा, बचा क्या एस. एस को हम कैसे लिखते हैं, एस हमारा चेंज हो जाएगा ऐसे. ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लो, जो डी वाला नहीं है वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है ना, ए और सी ऑप्शन पहले ही हट गया, बचा सी और डी. सी और डी में आई एस तो यहाँ पे सेम ही लिख दिया, तो ये गलत हो गया और ये आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया. ओके, वैसे ही अब मैं अगर ट्रे के बारे में देखूं, TRAY. ओके, तो ट्रे अगर मैं देखूं तो इसका अगर मैं वाटर इमेज लिख रही हूँ तो टी कैसे लिखाएगा, ऐसा. आर कैसे लिखाएगा, ये इधर से ऐसा जाएगा. गाइस इसमें साइड चेंज नहीं होती, आप साइड चेंज बिल्कुल मत करिएगा. ओके, और वाई कैसे लिखाएगा, वॉटर इमेज है गाइस तो वाई चेंज रहेगा ही, तो ये ऐसा कुछ लिखाएगा. टी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो जो टी से स्टार्ट होने वाले नहीं है वो तो कैंसिल हो गए है ना. चलो अब टी से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया टी. आर भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, वाई भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. टी आर भी आर का देखिए गाइस, इसका आर का इस तरफ फेस है लेकिन हमें वॉटर इमेज में इस तरफ फेस चाहिए है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर गाइस. ओके, क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा आर में ही. ओके गाइस, तो इसी के बेसिस पे हम ये वर्ड्स वाले लेटर्स वाले चीजें करते जाएंगे. अभी देख लेते हैं आगे स्मॉल लेटर्स वाला भी. ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स का भी टेबल रखा हुआ है. मंडे को कैसे लिखेंगे है ना, वॉटर इमेज है गाइस तो वो एक के नीचे एक ही आएगा, इसमें ये पीछे से आने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है. ओके, तो वो डायरेक्टली ही आएगा कि उसपे पहले M आने वाला है, ये क्लियर है हमारे पास. तो M आने वाला है तो ये Y वाले तो ऑप्शंस कैंसिल ही हो गए, हमें आंसर ही मिल गया ऑप्शन नंबर D. लेकिन हम रीचेक कर लेते हैं एक बार, क्या लिखा है, मंडे, MONDAY. गाइज इस तरीके से A लिखा रहता है तो उसी तरीके इस तरीके से A लिखा रहता है तो उसी तरीके से A लिखेंगे हम. ओके बाय. तो अब इसका वॉटर इमेज लिखना है हमें, वॉटर इमेज लिखने के लिए क्या करेंगे, एम को कैसे लिखेंगे हम, ये ऐसा एम आएगा पहले, एम, ओ का ओ, एन ऐसा, डी कैसे आएगा गाइस, डी आएगा इस तरीके से, और ए कैसा आएगा गाइस, ए आएगा ऐसा कुछ है ना, और वाई कैसा आएगा, वाई आएगा इस तरीके से. तो आगे हमारा वैसे ही दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर. वैसे ही क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइज, RISE. ओके, तो राइज का हम उल्टा कैसे देखेंगे, इसका वॉटर इमेज देख लीजिए, तो वॉटर इमेज तो देखना है तो ये R आया, आई ऐसे आएगा. ओके, स्मॉल आई है तो ऐसा आ जाएगा, ग्रेट गाइज. आई सेम नहीं होता, मैंने इससे पहले गलती से आई सेम होता है लिख दिया, आई सेम नहीं होता क्योंकि इसका जो डॉट होता है वो ऊपर की तरफ होता है और नीचे आ रहा है. ओके गाइज, तो आई सेम नहीं होता है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. ई ऐसे बनेगा, एस ऐसे बनेगा और ई ऐसे बनेगा, करेक्ट है गाइज, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे. तो चलिए राइज को अब हम टिक कर लेते हैं, पहले तो आर, आर इस तरीके से होना चाहिए तो आर यहाँ पे सही है, बाकी तो ऑप्शन ये दोनों गलत है. आर यहाँ पे गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी गलत है, आई भी गलत है यहाँ पे. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, हमारा आंसर होगा गाइज. तो आप ऐसे इस तरीके से इसे लिख के देख सकते हैं, पहले जो सबसे क्लोज है हमें वो चेक करना पड़ेगा कि सबसे क्लोज कौन सा है, सबसे क्लोज ऐसा दिख रहा है इस टाइप का, तो सबसे क्लोज हमको इसी टाइप से बनाना पड़ेगा गाइज. वॉटर इमेज में सब एक के नीचे एक ही होता है, उसमें चेंज नहीं होता, लेकिन मिरर इमेज जब हम लिखते हैं, जैसे मिरर इमेज अगर मुझे इसका लिखना होता तो मिरर इमेज ऐसा था, मिरर इमेज लिखना होता तो मुझे पहले ई लिखना पड़ता, वो भी मिरर वाइज. ओके, तो इस टाइप से ये चेंज होता है गाइज. लेटर यहाँ पे एंड कर रही हूँ मैं, नंबर्स लेती हूँ, फिर नंबर्स और लेटर दोनों साथ में लेके इसके क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, इसका वाटर इमेज तो यहाँ पे सिर्फ जीरो एक ऐसा है जो सेम है. ओके, जो वाटर इमेज में और रियल में दोनों में क्या आता है, सेम आता है, आइडेंटिकल आता है. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा एट भी सेम है, लेकिन नहीं गाइज, एट सेम नहीं है. एट में ऊपर थोड़ा छोटा होता है, नीचे थोड़ा बड़ा होता है, तो ये इसका वाटर इमेज लेंगे तो ऊपर थोड़ा बड़ा रहेगा और नीचे थोड़ा
छोटा रहेगा. ओके गाइस, तो 8 कभी भी सेम नहीं होता है वाटर इमेज में. ओके, सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है 1 to 9 में, 0 to 9 में जो सेम आता है, आइडेंटिकल बोल सकते हैं आप उसको. ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप 1 को 2 को 3 को हम कैसे लिखते हैं. क्वेश्चंस के बेसिस पे वैसे भी हम देख ही लेंगे. ओके, तो देखते हैं फर्स्ट वाला. 0 है तो 0 को तो 0 ही लिखेंगे. 2 को हम कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला पोर्शन आएगा है ना, लाइन आएगा, पहले लाइन आएगा फिर इधर से ऐसे घुमा हुआ आएगा. फिर 3 गाइस, आपको लग रहा होगा कि 3 भी सेम होता है. नहीं गाइस, 3 सेम नहीं होता. आप कभी नोटिस करें तो 3 थोड़ा ऐसे होता है फिर थोड़ा बड़ा होता है ना. तो जब उसका वाटर इमेज लेंगे तो पहले बड़ा आएगा फिर थोड़ा छोटा वाला आएगा. ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, विजिबल है, थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा छोटा आया है. ओके गाइस, तो फिर 3 भी सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी 3 लिखेंगे कैसे, पहले थोड़ा बड़ा वाला फिर थोड़ा छोटा वाला. ओके, 6 को हम कैसे लिखेंगे, 6 को हम लिखेंगे उल्टा 9. ओके, और 8 मैंने बताया था अभी, थोड़ा बड़ा गोला फिर थोड़ा छोटा वाला. ओके गाइस, तो ये हो गया आपका वाटर इमेज ऑफ 0, 2, 3, 6, 8. क्लियर है. अब अगर मैं 1 का लूं, तो 1 का मैं अगर लेती हूँ, तो चलिए 1 का लेते हैं. ये जिस साइड में उसका फेस है वो फेस उसी साइड में रहेगा गाइस, बस वो उल्टा हो जाएगा. जैसे 4 का भी फेस ऐसे ही रहेगा, 5 का भी टर्निंग उधर ही रहेगा, लेकिन जो पहले है मतलब यहाँ पे ये ऐसा है तो ये पहले आएगा फिर ऐसा ऐसा आएगा. क्लियर है गाइस. 7 अगर आप देखें तो 7 कैसे आएगा, पहले ये फिर ये और ये लाइन. ओके गाइस, 9 अगर आप देखें तो 9 कैसे आएगा, उल्टा 6 के जैसा. दिस इज द आंसर ऑफ 1579. ओके गाइस, तो ऐसे ही नंबर्स का करेंगे. आईजी वाटर इमेज इतना इजी है कि दो दो एग्जांपल्स भी ले तो सफिशियंट है ना. वाटर इमेज है मतलब प्लेस तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब 5 का 5 ही आना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5DOB6V2. ओके, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, 5 लिखा है तो पहले क्या आएगा, ऐसे आएगा फिर ऐसे करके 5 आएगा. तो अब देख लो कौन कौन सा ऐसा 5 नहीं है, ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया यहीं से है ना गाइस. तो चलो फिर अब क्या है, डी, डी तो सेम ही रहता है वाटर इमेज में, यहाँ पे उल्टा डी कर दिया, ये तो ए तो एलिमिनेट ही हो चुका है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा डी हो गया. डी जबकि क्या होता है वाटर इमेज में, सेम होता है. अब हमारे पास ऑप्शन वैलिड कौन कौन से बच गए, बी और डी बच गए. तो चलो अब उन दोनों में से चेक करते हैं. ओ, ओ भी सेम रहेगा, चलो सेम है. अब बी, बी में पहले क्या आएगा, बड़ा वाला फिर छोटा वाला, तो बड़ा वाला छोटा वाला दोनों में सेम है. 6 को हम क्या लिखते हैं, उल्टा 9, बताया था मैंने उल्टा 9 लिखते हैं गाइस. इन दोनों में देखो यहाँ पे 9 ही लिखा और यहाँ पे उल्टा 9 लिखा, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये क्या हो गया, गलत हो गया. गाइस हमें बाकी दो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर हम ऐसे एलिमिनेट करते हुए चलेंगे तो, है ना गाइस. इसलिए आप एलिमिनेट करते जाइएगा, जल्दी हो जाएगा आपसे. नेक्स्ट क्या है, 9, 6, F, S, H, 5 and then 2. ओके, तो चलिए अब 9 को हम कैसे लिखने वाले हैं, 9 को हम बताए थे उल्टा 6 लिखने वाले हैं, और 6 को क्या लिखने वाले हैं, उल्टा 9 लिखने वाले हैं. यहीं से देखते हैं, एक दो तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे. उल्टा 6 और ये उल्टा 9, ठीक है. यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखिए 6 ही गलत लिखा हुआ है, ये उल्टा 9 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो करेक्ट 6 लिखा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. हमारे अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए. फिर भी चेक कर लेते हैं, F को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, S हमारा ऐसे जाएगा. H सेम है गाइस, 5 कैसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, और 2 कैसे लिखाएगा, 2 ऐसा कुछ लिखाएगा, है ना गाइस. तो चलो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है. यहाँ पे ये वॉटर इमेज का लेटर, नंबर और साथ में अल्फा न्यूमेरिक वाला भी खत्म करते हैं वाटर इमेज का. अब आते हैं फिगर्स, फिर उसके बाद देखेंगे हम क्लॉक. ओके गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं, काफी इजी जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं. ओके, तो सबसे पहले ये एरो इस तरफ है वाटर इमेज में गाइस, साइन चेंज नहीं होता है, तो एरो इधर, एरो ये एरो इस तरफ आ गया, मतलब ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बस अब 3 ऑप्शन है हमारे पास है ना, तो अब देखते हैं क्या है. एक एरो तो इधर ही रहेगा, सर्कल बना हुआ है, ये भी करेक्ट है. ओके, ये अब क्या आएगा, वाटर के सबसे पास क्या है, ये दोनों है, तो ऊपर में क्या आएंगे, पहले ये दोनों बनेंगे है ना, उसके बाद क्या, ये एक स्क्वायर बना हुआ है. अब ये स्क्वायर बना हुआ है ठीक है, लेकिन यहां से अगर मैं देखूं तो ये इस कॉर्नर ना, मतलब इस कॉर्नर से आएगा, इस कॉर्नर से ये आएगा. अब ऊपर सबसे पहले क्या मिल रहा है हमको, व्हाइट पोर्शन, तो नीचे क्या मिलेगा हमें, ब्लैक पोर्शन. करेक्ट है गाइज इतना.
अब बचा क्या नीचे में ये जो भी ऑप्शन इसको मैच कर रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर है. तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ नीचे व्हाइट आ गया है ऊपर ब्लैक, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे ऊपर व्हाइट तो है करेक्ट है लेकिन हमको डायगोनली इस वे में चाहिए ना, इस तरफ हमें ब्लैक इस तरफ का डायगन चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट. हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर हो गया गाइस. ओके तो अब वैसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा बन के ये ऐसा ऐसा है. तो जब मैं वाटर इमेज लूंगी तो सबसे पहले मैं को जो आएगा वो इस तरफ शेडेड आएगा, तो ऊपर व्हाइट वाला तो कैंसिल हो गया है ना, तो अब कैसा आएगा शेडेड, ये कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को. जो ये नीचे है वो पहले आएगा, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ओके गाइस तो ये वाला करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये पहले हमें ये ऐसा है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगी तो ये पहले कैसे आएगा, ऐसे ऊपर से आएगा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर. ओके गाइस ना थर्ड वन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो पहले क्या मिलना चाहिए मेरे को, ये वाला पोर्शन मिलना चाहिए, ऐसे सर्कल है ये एक ऐसा और ये एक ऐसा है ना, तो पहले ये वाला मिलना चाहिए हमें, सब ये नीचे है तो सबसे पहले हमको वही मिलना चाहिए गाइस है ना. तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ये ऐसा और हमको नीचे में छोटे वाले मिलेंगे है ना, तो ये पहले आना चाहिए हमारा. ओके तो आ गया, इधर ब्लैक है तो इस तरफ भी ब्लैक आना चाहिए हमारा. ओके तो इस तरफ ब्लैक, जिसमें भी इस तरफ ब्लैक नहीं है वो एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, बचा क्या ऑप्शन नंबर फोर. इसी तरफ ब्लैक होना था हमारा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फोर क्या है, आंसर है. अब अगर मैं ये देखूं फोर्थ वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे वाटर इमेज रखा हुआ है मैंने है ना, वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, तो वाटर इमेज के लिए सबसे पहले क्या आएगा, व्हाइट वाला आएगा, तो ये ब्लैक है तो ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, बचा क्या, ये दोनों व्हाइट आया, अब ये दोनों ब्लैक आना चाहिए, दोनों ब्लैक ठीक है, बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन अब क्या, अब और क्या देख सकते हैं इसमें है ना. तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन्स है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन्स है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन्स है, ग्रेट ये तो हो गया, लेकिन और क्या, यहाँ पे कैसी लाइन्स है, ऐसी लाइन्स है ना, तो वाटर इमेज में वो कैसी लाइन्स आएंगी, ये ऐसे है तो ये कैसी आएंगी वाटर इमेज में, वो मिरर इमेज तो है नहीं है ना, तो वाटर इमेज में कैसी आएंगी ये लाइन्स आएंगी इस साइड से, ऐसी लाइन्स आएंगी ठीक है. तो इसमें कैसी, इसमें भी ऐसी ही गिवन है जैसे इमेज में, लेकिन इसमें कैसी है, चेंज है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा आंसर होगा गाइस. क्लियर है गाइस? गाइस लाइंस भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है तो. ऑप्शन नंबर बी भी गलत है हमारा. नाउ अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का वाटर इमेज बनाना है अब हमें है ना, तो सबसे पहले ये मिलेगा हमें, ये मिलेगा मतलब व्हाइट वाला ऊपर आना चाहिए, सब में व्हाइट वाला ऊपर है गाइस. मैंने बताया वाटर इमेज में साइड चेंज नहीं करता है ये है ना, तो ये साइड चेंज किया तो ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये दोनों ऑप्शन में से आपको ऐसा होगा बी या तो फिर डी. ओके अब उसके बाद ये ब्लैंक है, चलो ब्लैंक है. उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे देखो अब ये क्या है, ऊपर नीचे में डील करता है ना ये कौन, वाटर इमेज. तो यहाँ पे पहले क्या है, पहले आएगा इधर से ब्लैक वाला है ना, तो इधर से पहले ब्लैक वाला आएगा, देखें अगर हम तो हाँ यहाँ ऊपर पहले आना चाहिए ब्लैक वाला, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर गाइस. क्लियर है गाइस? ये इमेजेस वाले पे तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट. ओके क्लॉक वाले में हम मिरर इमेज कहाँ पे लेते हैं, साइड में लेते हैं. ओके तो गाइज देखो मिरर भी, अगर मिरर में हमारा क्लॉक दिखेगा तो हमारे नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे है ना. यहाँ 11 की जगह क्या आ गया हमारे पास 1, वो भी उल्टा दिखेंगे हमें, हमने नंबर्स मिरर में भी पढ़ा है, वाटर में भी पढ़ लिया अभी है ना, तो ये उल्टा ही दिखता जाएगा. तो गाइज हमें तो टाइम पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए हम ये नंबर्स को इग्नोर करेंगे, सिर्फ क्लॉक देखेंगे हम. ओके सिर्फ क्लॉक देखेंगे, आप इस नंबर्स को इग्नोर करिए, मैं ओरिजिनल क्लॉक ही रख लूंगी, यहाँ पे ओरिजिनल क्लॉक रख लूंगी, मतलब सेम ऐसा ही दिखने वाला क्लॉक. ओके तो मिरर इमेज तो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, तो मिरर इमेज हटाते हैं. हम क्या करेंगे अभी, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वॉटर इमेज. मिरर इमेज का भी मैं बता देती हूँ, मिरर इमेज में हमने 2360 और 1160 पढ़ा है ना, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे 1830 और 630. ओके यहाँ पे ये दोनों का कंसेप्ट रहेगा वाटर इमेज के लिए गाइस. ओके गाइस तो चलो देखते हैं वाटर इमेज में हम कैसे करेंगे क्लॉक का सेक्शन. तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इमेज बनाती हूँ, शॉर्ट हैंड है हमारा इससे गाइस, इसके आवर्स हैंड, मिनट हैंड्स के भी हैंड साइड जो है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ऊपर और नीचे चेंज होगा. ओके गाइस तो ये वाटर इमेज में ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे देखिए 9 इधर है तो 9 चेंज नहीं हो रहेगा, इस 9 के तरफ वाला काटा
सिर्फ कौन सा चेंज हो रहा है, ये वाला वाटर इमेज में, क्योंकि ऊपर नीचे का कंसेप्ट होता है ना। मिरर इमेज में हम साइड लेते थे, अगर मैं 9 में रखी तो इस तरफ ये किधर आ जाता है, 3 के तरफ आ जाता है ना गाइस। तो इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस करते जाएंगे, हम क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे कि कैसे करना है गाइस। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूं तो इसमें मैं कितना बज रहा बता रही हूँ, 9 बज रहा बता रही हूँ, है ना। तो अगर मुझे नीचे वॉटर इमेज में मुझे आंसर चाहिए तो ये मुझे कितना दिख रहा है, ये तो मुझे 9.5 कुछ दिख रहा है ना, 9.5 या 8.5 दिख रहा है ना। तो आंसर करेक्ट कौन सा है, 8.5 वाला करेक्ट है या 9.5 वाला करेक्ट है। उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस, ये 1830 और 630 पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर मैं 1830 लिखती हूँ, दोनों सेम है गाइस, इन दोनों में से कुछ भी आप लर्न कर सकते हैं, ओके। 1830 और मुझे टाइम कितना दिया है, 9, ओके। इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 0 = 3, ये 30 हो गया। अब 18 - 9 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 9:30। तो इनमें जो हम कंफ्यूजन था हमको कि 8:30 होगा कि 9:30 होगा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा 9:30। क्लियर है गाइस, ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। 6:30 और 18:30 बताने का मतलब ये है कि 18 को भी हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा 15:30 आपके पास टाइम आ जाएगा, या आ जाएगा 12:30 टाइम आ जाएगा, तो आप 6:30 से तो माइनस नहीं कर सकते हैं ना इसे, इसीलिए आपको मैंने 18 लिखना बताया है कि आप बड़े नंबर से इसे माइनस कर पाएंगे, ओके। 18:30 से आप कितना माइनस कर पाएंगे, 12:30 माइनस कर पाएंगे, करेक्ट है गाइस। चलिए तो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसी क्लॉक बेसिस पे, ओके। एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम क्लॉक से रिलेटेड, व्हाट टाइम विल बी द वाटर इमेज ऑफ 6। वाटर इमेज क्या होगा 6, अगर वहां पे दिख रहा है कि 6 बज रहा है, तो 6 बजा देते हैं पहले। तो हम यहाँ पे ये 6 और मिनट हैंड कहाँ पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा, ओके। 12 पे मिनट हैंड आ गया और आर हैंड किस पे आ गया, 6 पे। तो अगर वाटर इमेज देखेंगे तो हम कहाँ पे आएगा, यहाँ से दिखेगा हमें वाटर इमेज, मतलब यहाँ पे स्मॉल हैंड आएगा और मिनट हैंड कहाँ पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा गाइस। क्लियर है, तो ये कितना बज रहा है, ये तो आवर हैंड है, मतलब कितना बज रहा है, 12:30 बजना चाहिए, है ना, इसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि ये 6 नहीं, 6 के जगह पे क्या रहेगा, 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है गाइस, तो मैंने क्या बताया है, हम माइनस किससे करेंगे, 18:30 या तो फिर किससे, 6:30 से, है ना। तो अगर मैं 6:30 से 6 को माइनस करती हूँ तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब क्या, 00:30 मतलब क्या, 12 बजने के बाद 30 मिनट्स, या फिर 18:30 में से माइनस कर दो 6 को, ठीक है। तो इसको अगर मैं करूँ तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 18 - 6 = 12, तो आंसर कितना आया हमारे पास, 12:30। गाइज अगर आप पिक्चर्स वाले फॉर्म पे कंफ्यूज होते हैं तो आप इसके थ्रू जाइए गाइज, मैं आपको बोल रही हूँ इसके थ्रू जाइए। मिरर इमेज में अगर आप कर रहे हैं मिरर इमेज में, तो आप यूज कीजिए 2360, और अगर आप वाटर इमेज यूज कर रहे हैं, वाटर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यूज कीजिए 1830। ओके गाइस, इससे सारे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ओके। और क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 820। तो पहले तो 820 बजाते हैं, 8 यहाँ पे और मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, 4 पे, 20 मिनट्स पे, तो ये 820 हो गया, ओके। तो अगर मैं इमेज के थ्रू देखूं तो ये कहाँ पे, 6 को हम ये यहाँ पे, मतलब ये 7 तो इस तरफ आएगा, है ना, 7 और 8 के बीच में रहेगा क्या, 7 और 8 के पास में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा आवर हैंड, इधर आ जाएगा हमारा आवर हैंड, और मिनट हैंड हमारा किधर आ जाएगा, 4 में, है ना, 4 में, तो इधर से 4। अगर आपने क्लॉक ऐसे उल्टा बना लिया तो आपको तो मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 2, यहाँ पे हम कितना लिखते हैं, 11, यहाँ पे लिखते हैं 10, तो कितना हो जाएगा, 10:10 होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली, ओके। तो चलिए अब हम इसको माइनस करके देखते हैं, 18:30 से माइनस कर लेते हैं 8 - 20, तो कितना हो जाएगा, 30 - 20 = 10 और 18 - 8 = 10, ओके। तो कितना बज गया, 10:10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। गाइस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 455। तो पहले तो 455 कर लेते हैं, आवर हैंड 4 में और मिनट हैंड कहाँ आ जाएगा, 55 मतलब कहाँ पे, 11 में, करेक्ट है। ये कितना बच गया हमारा, 455, ओके। तो अब हमें इसका वाटर इमेज चाहिए, तो वाटर इमेज चाहिए तो 4 है मतलब इधर 4 आ जाएगा, ओके। इधर 11 है मतलब ये रेड वाला किधर, इधर के 11 में आ जाएगा, ओके गाइस, ऐसा हो जाएगा।
अब ये ऐसा हो गया तो हम इसे क्या लिखते हैं, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगेन 12, है ना, ऐसे लिखते हैं अगर हम करेक्ट क्लॉक देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि ये 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 12 तक आ जाता तो ही कंप्लीट होता है ना, ये तो 35 हो गया मिनट्स में, है ना, 7 में है तो 35 मिनट्स हो गया, और ये 1 और 2 के बीच में, तो मतलब क्या आएगा, 1 आवर 35 मिनट्स इज आवर आंसर। गाइज ऐसे देखना बहुत दिक्कत जाता है जब तक आप इसको उल्टा क्लॉक नहीं लिखोगे, अगर आप उल्टा क्लॉक बनाओगे तो ये इमेज के थ्रू तुरंत आ जाएगा कि 11 है, तो यहाँ पे उल्टा 11 में हमने काटा डाल दिया और फिर उसको सीधे क्लॉक करके हमने उसको टिक कर दिया, है ना, लेकिन इतना तामझाम करने से अच्छा हमने क्या पढ़ा है, 18:30 पढ़ा और क्या पढ़ा है, 6:30 पढ़ा है। गाइज लेकिन इसमें भी और एक चीज है जो हमें सीखने की जरूरत है, वो क्या है, अब मैं 18:30 में से माइनस करने वाली हूँ 4:55, हमने यही सीखा है, जो भी टाइम दिया उसको 18:30 में से माइनस कर दो या 6:30 में से माइनस कर दो, है ना, तो अब यहाँ पे देखें कैरी लेते जब है यहाँ पे, तो यहाँ पे समझने की चीज क्या है गाइस, एकदम ध्यान से समझिएगा इसे, ओके, इसे ध्यान से समझने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कैरी हमें क्या लेना है ये देखना पड़ेगा, ठीक है, 18 hours 30 minutes, ये किस में, आवर्स में, ये किस में, मिनट्स में है, और यहाँ पे कितना माइनस करना है हमें, 4 hours 55 minutes, मिनट्स में, और ये किस में, आवर्स में, कोई डाउट नहीं गाइस, ये 18 माइनस 4 तो हो जाएगा लेकिन 30 माइनस 55 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि 30 कम है, तो इधर से एक कैरी लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो किस में है, आवर्स में है, तो ये कैरी भी किस में देगा, आवर्स में देगा, मतलब ये 1 hour कैरी दे दिया, 1 hour कैरी दे दिया, तो मिनट में मैं अगर करूँ तो 60 मिनट कैरी दे दिया इसने, और ये खुद कितने आवर्स हो गया, 17 hours हो गया, समझ में आ रहा है गाइस, तो ये 60 मिनट्स और 30 मिनट्स टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे हमारे पास, 90 मिनट्स हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 17 आवर्स 90 मिनट्स, ओके, 18:30 को हमने क्या लिख दिया फिर, 17 आवर्स 90 मिनट्स लिख दिया, और यहाँ क्या है, 4 आवर्स 55 मिनट्स को माइनस कर देंगे अब, ओके, तो 10 माइनस 5 इज 5 एंड 9 का ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज 3 और यहाँ से क्या हो गया, 17 माइनस 4 कितना हो जाता है, 13, 13:35, 13 मतलब क्या होता है, 12 के बाद एक क्या होता है, 13 होता है, 13:35 that means what? 13:35 is 1 hour 35 minutes. Okay guys, ये answer है इसका 1 hour 35 minutes हमने यहाँ से भी लेके आए हैं, हम यहाँ से भी लेके आए हैं. अगर मैं 6:30 से minus करके दिखाऊँ आपको, 6:30 से minus करते हैं, 6:30 minus 5:55, sorry 4:55 है ना, not 5:55, it's 4:55, 4 hours 55 minutes. माइनस करते हैं इन द सेम मैनर, ये भी कैरी देगा तो कितना कैरी देगा, 1 hour कैरी देगा, दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स कैरी देगा, तो 60 मिनट्स इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 मिनट्स हो जाएगा, और ये 1 hour कैरी दे दिया मतलब कितने आवर्स हो गए, 5 hours हो गए, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 5 hours 90 minutes माइनस 4 hours 55 minutes, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज 5, ये 8 हो गया, 8 माइनस 5 इज 3 एंड 5 माइनस 4 इज व्हाट, 1, क्लियर है गाइस, आंसर कितना आ रहा है, 1:35, आप 6:30 से करें या 18:30 से माइनस करें, आंसर आपको सेम ही मिलना है, ओके गाइस, ये तो वाटर इमेज में हुआ, मिरर इमेज में मैंने क्या बताया, या तो आप 11:60 से माइनस करें या तो आप किससे करें, 23:60 से माइनस करें, आपको मिरर इमेज का भी आंसर क्लॉक वाला करेक्ट ही मिलेगा। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं गाइस इसी के, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं वाटर इमेज का जो कि क्लॉक सेक्शन का है, ओके, तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 10:40, तो चलिए अब हम 10:40 बना लेते हैं, ये आवर हैंड 10 में और मिनट हैंड कहाँ पे आ गया, 8 में, क्योंकि ये 40 हो जाता है, ओके, तो ये 10:40 हो गया गाइस, सही में ये 10:40 हुआ है क्या, नहीं हुआ है गाइस, ये 10:40 क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आवर हैंड जब 10:40 हो रहा होगा तो आवर हैंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब 10 और 11 के बीच में होगा, करेक्ट है गाइस, तो अब ये हमारा 10:40 हो गया है, ओके, तो अब 10:40 यहाँ पे भी 11 और 10 के बीच में आवर हैंड डाल देते हैं और मिनट हैंड कहाँ पे डाल देते हैं, मिनट हैंड डालते हैं 8 में, ओके गाइस, अगर आप आवर हैंड की गलती करेंगे ना तो आपका आंसर गलत ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखू तो ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है, 11, ओके, तो ये आवर हैंड किसके किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में, और ये 50 मिनट्स शो कर रहा है ना, तो ये कितना हो गया, 7:50
850 हो गया. गाइज अगर हम आवर हैंड गलत लिखते तो हम उसको आंसर क्या टिक कर देते, 850 कर देते. इस चीज से बचने के लिए ही हमने क्या बोला है आपको, 1830 या तो फिर 630 से माइनस करने के लिए. ओके, मैं ज्यादा फोकस 1830 में करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर मैं 630 से माइनस करती, 630 माइनस हमारा गिवन टाइम कितना है 1040, तो ये माइनस ही नहीं होता. 6 भी छोटा है 10 से और 30 भी छोटा है 40 से, तो ये माइनस हो ही नहीं पाता है ना. तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ आपको कि आप 1830 से माइनस करें. 1830 से अगर हम माइनस करते हैं 1040 को तो क्या होगा, माइनस करें तो 30 माइनस 40 तो हो नहीं सकता है ना. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैरी लेंगे. और ये आवर्स है और ये मिनट्स है, तो ये कैरी भी किस में देगा, आवर्स में कैरी देगा. आवर्स में कैरी दिया तो ये कितना कैरी दे दिया, 60 मिनट कैरी दे दिया. मतलब कितना मिल गया हमें, 90 मिनट्स मिल गए. और ये 18 आवर्स से कितना हो गया, एक कैरी दे दिया वो, तो 17 आवर्स हो गए. तो इसे मैं रीराइट करके लिख सकती हूँ, 17 आवर्स 90 मिनट्स. अब इसमें से मैं माइनस कर दू 10 आवर्स 40 मिनट्स, तो 90 माइनस 40 इज 50 और 17 माइनस 10 इज 7. तो आंसर हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया 750. दिस इज आवर आंसर गाइज. ओके, तो यही है हमारा आंसर. आप 630 से इसे करते तो नहीं हो पाता क्योंकि इसमें जो वैल्यू है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो 630 से बड़ा दिया हुआ है. इसलिए आप हमेशा क्या चूज करें, 1830 चूज करें. ओके, तो मैंने हमेशा बताया वाटर इमेज के लिए क्या यूज करें, 1830, और मिरर इमेज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 2360. ओके गाइज, इस दोनों चीजों से आपके क्लॉक रिलेटेड इमेजेस के आंसर्स आ ही जाएंगे. ओके गाइज, तो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ वाटर इमेज. हमारा वाटर इमेज का हमने सारे पैटर्न्स कवर कर लिए, लेटर, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक भी कवर कर लिया, फिगर्स कवर कर लिया और क्लॉक भी कवर कर लिया. ओके गाइज, मेरे अकॉर्डिंगली आपको अब वाटर इमेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप होता है तो आप मुझे कमेंट करिए. जितने जल्दी हो सकेगा मैं उतने जल्दी उसके डाउट के आंसर्स आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी. गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम पे मिलते रहे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय.